मौजूद हैं देवी महारानी कालिक पे, जहाँ पे स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी व्यक्तियों से मुझे बातचीत। आज इनका करीब 50वीं जो 50 साल हो गए इस कॉलेज को, स्वर्ण जयंती है और 75वां साल आज़ादी का है। दोनों ही एक बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है और वो जो दूर दराज के कॉलेजेस हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं कि वो उसका कैसे फ़ायदा उठाएँ। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं को समझने की ज़रूरत है और उस पर वर्कशॉप करने की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उस पर सेमिनार करने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। आज जो शिक्षा है वो केवल भारतीय नहीं रह गया है, भारतीय शिक्षा पे सबकी नज़र है, ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। भारतीय स्टूडेंट को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे देश, स्ट्रांग देश, बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं अपने अच्छे स्टूडेंट को रिटेन करने के लिए और विदेशी बच्चों को लाने के लिए, जिससे हमें हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इन सभी चीज़ों की नई एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है और उनको समझ के उसको लागू करने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय साथ है, मैं प्रिंसिपल साहब को खासकर बहुत ही बधाई देता हूँ कि ये उन्होंने दो दिन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की और इसकी जो भी प्रोसीडिंग बनेगी, जो भी इसकी रिकमेंडेशन बनेगी, उसको उस पर हम लोग विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे, ज़रूरत होगी तो उसको हम लोग अडॉप्ट भी करेंगे। यहाँ पे यहाँ आज़ादी की धरती ये चौकी चौरा अपने आप में जो होता है ना पवित्र धरती जी, यहाँ की इतिहास अलग है। ये जो जहाँ आप महाविद्यालय में इसका भी इतिहास अलग है, यहीं से स्वतंत्रता सेनानी जो है ये थाना का फूटने से यहाँ से ही प्रवास किए थे। उसके बाद यहाँ पे 1982 में इंदिरा गांधी आके यहीं से शहीद स्मारक का उद्घाटन भी किया। यहाँ 83 में कैबिनेट की बैठक भी हुई। ये जगह ही ऐसी है, बहादुर सिंह जब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हुए यहीं आके उन्होंने अपना उद्बोधन किया। ये अपने आप में जगह की अलग महत्व है, जैसा कि कहा जा सकता है कि डिग्री कॉलेज क्रांतिकारी। हाँ, ये डिग्री कॉलेज क्रांतिकारी का डिग्री कॉलेज है, जो क्रांति की जन्म हुई ये डिग्री कॉलेज के प्रांगण से ही स्टार्ट होकर थाने तक गया। यहीं के बाद जो है हमारे महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। अच्छा, बच्चों को लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे यहाँ के पढ़ाई में अच्छे हमारे जो संस्था में जो हम लोग के वर्क हैं हम उनको कितना सुविधा देंगे। यहाँ पे BA, BCom, BSc, BTC सभी कोर्सेस, ये चूँकि बच्चों का थोड़ा लगाव बड़े शहरों में हो जाता है, यहाँ पे एक तहसील में 9 डिग्री कॉलेज होता है। यहाँ नकल की सुविधा ना होने की वजह से भी बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ के लड़के सिर्फ IAS भी हुए हैं, PCS भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए हैं, इंजीनियर भी हुए हैं। इसलिए यहाँ की धरती अलग है, उपजाऊ है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं। संगोष्ठी का मतलब जागरूकता बनती है। ठीक, धन्यवाद।